माइस्ट्रो के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हल्क पंकम में पहुंच जाता है जिसे मशीन मैन ऑपरेट कर रहा था, और वहां उसे न्यूयॉर्क के बारे में पता चलता है जिसका नाम अब डिस्टोपिया हो चुका है और उसे माइस्ट्रो नाम का बंदा चला रहा है। इसलिए हल्क उस माइस्ट्रो से मिलने जाता है जहां पर उसकी मुलाकात द मिनिस्टर से होती है जो उसे माइस्ट्रो के पास ले जाता है, जहां ये रिवील होता है कि माइस्ट्रो कोई और नहीं बल्कि हर्क्यूलिस है। अब आगे like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of कहानी की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो हर्क्यूलिस के सामने खड़ा था। तभी हल्क कहता है, तो तुम हो माइस्ट्रो, जिसको हर्क्यूलिस कहता है, हाँ बैनर, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कहते हर्क्यूलिस हल्क को उठा लेता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। जिस पर हल्क कहता है, नहीं, मोरक ने मुझे सीधा रखा था। तभी हर्क्यूलिस कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, आखिरकार तुम मेरे सबसे फेवरेट जो हो। जिस पर हल्क कहता है, तुम्हारा फेवरेट। लेकिन तभी हर्क्यूलिस स्माइल करता है और अगले ही पल वो हल्क को एक घुसा मारकर महल के बाहर फेंक देता है। हल्क को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हर्क्यूलिस ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी हर्क्यूलिस आता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब भी वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे। लेकिन हल्क अपना जबड़ा ठीक करने लगता है। लेकिन तभी हर्क्यूलिस वहां उड़ते हुए आता है और हल्क को एक घुसा मारने वाला ही था कि तभी हल्क उसका हाथ पकड़ लेता है और हर्क्यूलिस को घुसा मारकर शहर में फेंक देता है। हर्क्यूलिस के गिरने के कारण वहां के सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन लोगों की कीमत ना ही हर्क्यूलिस को थी ना ही हल्क को। तभी हर्क्यूलिस उठ जाता है और बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और ऊपर हवा में उड़ जाता है और उतनी ही तेजी से आकर जमीन में घुसा मारता है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और हल्क उसमें गिर जाता है। हल्क दोबारा उठकर खड़ा होता है और कहता है, मैं हर्क्यूलिस को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वहां खड़े दो लोग हल्क को बुलाने लगते हैं और तब उनमें से एक कहता है कि उसका नाम है टैकॉइड। लेकिन हल्क कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी टैकॉइड कहता है कि उसे रिक जोन्स ने बुलाया है। ये सुनते ही हल्क रुक जाता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? दूसरी तरफ हम हर्क्यूलिस को देखते हैं जो गड्ढे के बाहर खड़ा था और कहता है, बुरा मत मानना दोस्त, ये मेरा तरीका है अपने दोस्तों को स्वागत करने का, पर अब मेरे पास और भी काम है, तो बाहर आ जाओ। मेरे पास बहुत से सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हारा दिन रात मनोरंजन करेगी, तो क्या बोलते हो? लेकिन नीचे से हल्क का कोई जवाब नहीं आता, इसलिए हर्क्यूलिस वहां से निकल जाता है। यहाँ हल्क उसी बूढ़े आदमी के पास आता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। दरअसल में वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रिक जोन्स है। तभी रिक कहता है, हे ब्रूस, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं उठ नहीं सकता हूँ। तभी हल्क रिक के पास आता है और कहता है, ओह माय गॉड, तुम कितने बूढ़े हो चुके हो। लेकिन तभी वहां पर जेनिस आ जाती है जो रिक की पोती है, और वो हल्क को स्कैन करती है और वो कहती है कि वो रेडिएशन का शिकार नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद रिक और हल्क दोनों भी बियर पीते रहते हैं और तभी रिक कहता है, मैंने सुना कि तुम हर्क्यूलिस या माइस्ट्रो वो जो भी है उसे भिड़े देते। जिस पर हल्क कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो असली है, हो सकता है कि वो स्क्रल हो। जिस पर रिक कहता है, नहीं, ये वही है, लेकिन यह पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। अब उसे सिर्फ मौज मस्ती और अय्याशी करना पसंद है। उसके रियासत में साधारण लोग कैसे जी रहे हैं इसकी उसे कोई परवाह नहीं है, उसे तो सिर्फ अय्याशी करनी है। इस पर हल्क कहता है कि साधारण लोग वो उनकी परवाह नहीं करता है, उसे भला उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस पर रिक चौंकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हल्क कहता है कि ये रूम देख रहे हो, पूरा का पूरा ट्रॉफी से भरा हुआ है। ये सारे सुपर हीरोज इन आम लोगों के लिए लड़ते थे ना, आम लोग, इन्हीं आम लोगों ने दुनिया को खत्म किया, ना कि लीडर या फिर रेड स्कल ने।
ये लोग किसी के लायक नहीं है। अक्लिस तो बेवकूफ है, अगर वो होशियार होता तो अब तक उन सबको अपना गुलाम बना चुका होता। तुम सिर्फ एक वजह बताओ इन आम लोगों को बचाने के लिए, जिसको रिक कहता है उन्हीं आम लोगों में से बेटी थी और कभी तुम भी थे। जिसको हल कहता है नहीं, ये लोग बने ही है गुलामी के लिए। लेकिन तभी रिक कहता है कि तुम तो डॉक्टर डूम की तरह बात कर रहे हो। जिस पर हल कहता है हाँ, लेकिन मुझे एक लैब चाहिए। जिस पर रिक टैकॉर्ड से कहता है कि हल को बच्चे कुछ अल्कमैक्स में ले जाओ। फिर हम अल्कमैक्स देखते हैं, जो अब टूटी फूटी बिल्डिंग है। वहां पर टैकॉर्ड हल को ले आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या करने वाले हो। जिस पर हल कहता है कि कुछ बड़ा काम करने वाला हूँ। ये कहते ही वो देखता है कि टैकॉर्ड वहां से गायब हो चुका है, इसलिए हल अंदर चला जाता है। हल अंदर लैब में आकर देखता है कि सब कुछ टूटा फूटा है, लेकिन इमरजेंसी लाइट अभी भी जारी है। तभी हल देखता है कि वहां पर दो साइन बोर्ड है जिन पर लिखा था कि एक तरफ है लैब रेट्स और दूसरी तरफ है जेनेटिक्स। लेकिन हल लैब रेट्स की ओर मुड़ता है। अंदर आते ही हल चौंक जाता है क्योंकि वहां पर काफी सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर हल कहता है यही काम में मुझे महीने लग जाएंगे। फिर इसे शिफ्ट होती है और हम हरक्यूलिस को देखते हैं जो एक औरत के साथ मजे कर रहा था। तभी वहां पे द मिनिस्टर आ जाता है और हरक्यूलिस से कहता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन हरक्यूलिस उसकी बात नहीं सुनता है। लेकिन तभी द मिनिस्टर कहता है कि वो हल के बारे में बताना चाहता है। ये सुनते ही हरक्यूलिस उस औरत को छोड़कर तुरंत द मिनिस्टर की बात सुनने आता है और वहां से तुरंत वो हल्क को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ हल्क एक बिल्डिंग पर खड़ा था और वहां से वो लोगों को अनाउंसमेंट करने लगता है और कहता है ऑर्डिनरी, ये एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों ने बनाया है जो खुद को महान मानते हैं। ऑर्डिनरी इसलिए है ताकि वो मान सके कि तुम उनके लिए खतरा नहीं हो। और मैंने देखा है कि ऑर्डिनरी पीपल क्या कर सकते हैं। उन लोगों ने वैक्सीन बनाई ताकि अरबों लोगों की जान बच सके। इन्हीं ऑर्डिनरी लोग चांद तक पहुंच गए। वो लोग ये सब कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें उनके लीडर ने कहा था, और अब मैं ही तुम्हारा लीडर हूँ। डिस्टोपिया के बाहर भी एक दुनिया है और वो मैंने देखी है, और अब मैं तैयार हूँ उन सब पर राज करने के लिए, और आपकी मदद से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें उसी भविष्य की सैर करवाता हूँ। और ये कहते ही वे सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि हल्क ने वहां पर बहुत से बड़े रोबोट्स लाए थे। तभी हल्क कहता है ये है डॉग्स ऑफ वॉर, तो जरा सोचो कि इनकी एक बड़ी आर्मी हो जो सिर्फ युद्ध करना जानती है, और तुम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, और वो है कि इस युद्ध के बाद जो कुछ भी पीछे रह जाता है उसे साफ करना है। तो तुम में से कौन कौन मेरे साथ हो? ऐसा कौन है जो इस शहर को छोड़कर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है मेरी तरह? कौन है मेरे साथ? तभी सारे लोग सोचने लगते हैं और फिर मना करते हैं। तभी हल कहता है तो फिर ठीक है, खत्म करो। ये कहते हल के डॉग्स ऑफ वॉर उन लोगों पर अटैक करते हैं। तो वही हम हरक्यूलिस को देखते हैं जो बड़ी तेजी से वहां आ रहा था और कहता है अब आएगा असली मजा।